हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से ईवीएम में इस्तेमाल होने वाली बैटरी को लेकर शिकायत की। शिकायत 26 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़ी थी। हालांकि चुनाव आयोग ने कांग्रेस की शिकायत में दम नहीं पाया और निराधार बताकर खारिज कर दिया। और इसके बाद चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पे ईवीएम की बैटरी से जुड़े 9 सवाल जारी किए। 9 सवाल और उनके जवाब भी चुनाव आयोग की तरफ से अपनी वेबसाइट पे दिया गया है। और इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी उन सवालों के जवाब से मिलती है उसमें यह है कि अल्कालाइन बैटरी इस्तेमाल होती है ईवीएम में, ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में और वीवीपैट में भी अल्कालाइन बैटरी का इस्तेमाल होता है। और अल्कालाइन बैटरी एक तरह की प्राइमरी बैटरी है जिसे दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता और इसका सेल्फ लाइफ 5 साल का होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि चुनाव आयोग ईवीएम में अल्कालाइन बैटरी का इस्तेमाल करता है। तो चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पे इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि कई मुख्य वजह है जिसकी वजह से अल्कालाइन बैटरी का इस्तेमाल ईवीएम में होता है। पहली वजह यह है कि अल्कालाइन बैटरी एक सिंगल यूज बैटरी है, यानी एक बार यूज होने के बाद इसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता, इसलिए ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में अल्कालाइन बैटरी का इस्तेमाल होता है। दूसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि अल्कालाइन बैटरी ठंड एवं गर्म दोनों मौसम में बेहतर तरीके से फंक्शन करता है, यानी काम करता है। तीसरी महत्वपूर्ण वजह यह है कि अल्कालाइन बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, यानी धीमी गति से ये डिस्चार्ज होता है और इसका परफॉर्मेंस विश्वसनीय है, यानी रिलायबल है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्कालाइन बैटरी इकोनॉमिकल है, यानी बहुत महंगा नहीं है और इसका सेल्फ लाइफ 5 साल का होता है। चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर यह भी एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि ईवीएम में रिचार्जेबल बैटरी का, यानी ऐसी बैटरी जिसको चार्ज करके इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका इस्तेमाल ईवीएम में इसलिए नहीं होता क्योंकि रिचार्जेबल बैटरी को समय समय पर चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी और ईवीएम में ऐसा कोई पोर्ट नहीं होता जिससे कि बैटरी को चार्ज किया जा सके, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए ईवीएम में कोई पोर्ट नहीं है। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर कितने दिन पहले ईवीएम के कंट्रोल यूनिट में अल्कालाइन बैटरी के पावर पैक्स को डाला जाता है। तो चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर यह बताया है कि 8 से 10 दिन पहले जब ईवीएम की कमीशनिंग की जाती है तब ये पावर पैक्स, मतदान वाले दिन से 8 से 10 दिन पहले ईवीएम की कमीशनिंग की जाती है और इस पावर पैक्स को डाला जाता है। एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा था कांग्रेस की शिकायत के बाद कि आखिर दिन भर इस्तेमाल होने के बाद ईवीएम के कंट्रोल यूनिट के कई अल्कालाइन बैटरी, 5 अल्कालाइन सेल्स से एक पावर पैक से कंट्रोल यूनिट में बनता है और वीवीपैट में जिस अल्कालाइन बैटरी का इस्तेमाल होता है उसमें 30 अल्कालाइन सेल्स का इस्तेमाल होता है। तो एक सवाल बार बार ये पूछा जा रहा था कि आखिर दिन भर इस्तेमाल होने के बाद कई ईवीएम के, यानी कंट्रोल यूनिट के पावर पैक्स में, यानी अल्कालाइन बैटरी 99% बैटरी कैसे शो कर रहे थे। तो इसका जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि पूरे दिन वोटिंग के बाद भी कई कंट्रोल यूनिट के बैटरी 99% कैसे दिखा रहे थे, ये सवाल है। इसका जवाब चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर दिया है और कहा है कि ईवीएम का पावर पैक इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि एक कंट्रोल यूनिट और 4 बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट उसे कहते हैं जिसमें आप वोट दबाते हैं, ईवीएम में वोट दबाते हैं और कंट्रोल यूनिट में आपका वोट रजिस्टर्ड होता है। यानी इस तरह से डिजाइन किया जाता है ईवीएम के पावर पैक को कि 4 बैलेट यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल हो सके और 2000 वोट डाले जा सके। ये चुनाव आयोग ने कहा है इस तरह से डिजाइन किया जाता है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि कई बूथों पर 1000 से कम वोट पड़ते हैं और एक कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल होता है, एक बैलेट यूनिट का इस्तेमाल होता है और 1000 वोट से कम इस्तेमाल होने के बाद पावर जो है इतना खर्च नहीं होता कि वो 99% से कम दिखे। और इसकी वजह ये बताई है चुनाव आयोग ने कि एक सीमा से नीचे जाने पर अल्कालाइन बैटरी बहुत तेजी से गिरती है, लेकिन एक सीमा तक जब रहती है तो वो 99% प्रदर्शित करता है। और इसका एक और जवाब चुनाव आयोग ने दिया है कि जब आउटपुट वोल्टेज 7.4 से कम नहीं जाता तो 99% अल्कालाइन बैटरी शो करता है। तो जो सवाल पूछे गए थे चुनाव आयोग से उसको लेकर एक सूची जारी की गई है, 9 सवालों की एक सूची जारी की है। पहले से ही ईवीएम को लेकर सैकड़ों सवाल चुनाव आयोग के
वेबसाइट पे हैं, उसमें ये 9 सवाल जोड़े गए हैं अल्कालाइन बैटरी को लेकर। अल्कालाइन बैटरी का इस्तेमाल ईवीएम के कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट में क्यों होता है, इसका जवाब चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पे जारी कर दिया है।